देखो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सुपर एड्रीनल ग्लैंड और यू कैन कॉल इट डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स है वो सुपर एड्रीनल ग्लैंड्स का एक और नाम होता है। तो बेसिकली होता क्या कि हमें पता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं या सुपर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड हुए होते हैं। दोनों कॉर्टेक्स और मेडुला का जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है वो डिफरेंट है। बेसिकली जो कॉर्टेक्स होते हैं ना वो जो यूरोजेनाइटल रिज के जो मीजेनकाइम होते हैं वहां से जो मेसोडर्म होता है यूरोजेनाइटल रिज का वहां से आपका कॉर्टेक्स प्रोड्यूस होता है एड्रीनल ग्लैंड का। वेयर एज जो मेडुला होता है मेडुला बेसिकली डेवलप्स फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स इट डिराइव्स फ्रॉम द मेसेनकाइम ऑफ यूरोजेनाइटल रिज वेयर एज द मेडुला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इट डिराइव्स फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। एंड होता है कि ड्यूरिंग द सिक्स्थ वीक आपकी जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो में हम जो ये वाली फिगर है इसको हम बाद में सही से डिटेल में देखेंगे। बेसिकली जो डॉर्सल मेसेंट्री होती है एंड जो आपका गोनेड्स जो जो गोनेड्स की डेवलपमेंट हो रही होती है उनके दरमियान ही जो आपका मेसेनकाइम होता है यूरोजेनाइटल रिज का वो बेसिकली एग्रीगेट होकर प्रोलिफरेशन बनाता है और वो बनाता है प्राइमोर्डियम और सुपर एड्रीनल कॉर्टेक्स। वेरस जो यहाँ पे सिंपथेटिक गैंग्लियो होता है जो कि बेसिकली न्यूरो क्रिस्टल से बना होता है ये सिंपथेटिक गैंग्लियो बना रहा होता है मेडुला। ठीक है तो इसमें बस ये चीज मैंने याद रखनी थी। अब इस फिगर के थ्रू मैं समझाऊंगा। सबसे पहले ये होता क्या है कि आपका दो तरह के एक तो कॉर्टेक्स होते हैं एक तो फीटल कॉर्टेक्स होता है और एक परमानेंट कॉर्टेक्स होता है। फीटल कॉर्टेक्स की क्या खास बात है कि बेसिकली जो फीटल कॉर्टेक्स है ना ये ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये बेसिकली जो स्टीरॉयड होते हैं उनके प्रिकर्सर ज्यादा बना रहते हैं एंड प्लेसेंटा उन स्टीरॉयड प्रिकर्सर्स को यूज करके एस्ट्रोजन की सिंथेसिस कराता है। एंड इसी वजह से हम देखेंगे कि ड्यूरिंग जब बच्चा बॉर्न होता है तो जो उसके एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है अराउंड 10 to 20 टाइम्स लार्जर होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स का साइज। तो होता है कि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ कॉर्टेक्स दिखाया हुआ है। अब होता है कि इनिशियली जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे जिन्होंने मेडुला बनाने हैं बेसिकली वो जो कॉर्टेक्स है उसके मीडियली आके लगते हैं एंड मीडियली आके वो फिर वहां पर डिफ्रेंशिएट होने शुरू हो जाते हैं। ये ब्लू में इन्होंने मेडुला दिखाया हुआ है ये जो कॉर्टेक्स है इसके मीडियली आएंगे मीडियली आके ये फिर जो इन्होंने सेक्रेटरी सेल्स बनाने होंगे ना मेडुला के अंदर जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं उसके अंदर ये डिफ्रेंशिएट होने लग जाएंगे और साथ ही जब ये डिफ्रेंशिएट हो रहे होंगे तो और जो मेसेनकाइम होगा यूरोजेनाइटल रिज का वो और क्या कहते हैं इनके अंदर कॉर्टेक्स में आ रहा होगा और उसको फर्दर प्रोलिफरेट कर रहा होगा कॉर्टेक्स बना रहा होगा। तो जैसे ही ये जो मेडुला है जो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रहा है और जो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रहा है मीडियली बन रहा है और ये जो प्रोलिफरेट कर रहे हैं मेसेनकाइम अपने जो मेडुला के जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपनी सेक्रेटरी वाले सेल्स में। सो साथ ही क्या क्या हो रहा है जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो आ रहे हैं और वो कॉर्टेक्स बना रहे हैं एंड देन एक वो चीज बनाते हैं जो ये आपके मेसेनकाइमल सेल्स आ रहे होंगे ये फिर बनाते हैं परमानेंट कॉर्टेक्स। ठीक है या प्राइमोर्डियम ऑफ परमानेंट कॉर्टेक्स ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो सबसे अंदर वाली है ना इसमें थोड़ा सेल्स को जो कलर है उसको इन्होंने डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। जो अंदर वाला पिंक पिंक स्ट्रक्चर है दिस इज एम्ब्रियोनिक फीटल कॉर्टेक्स वेयर जो बाहर की ये लाइनिंग है ये है प्राइमोर्डियम ऑफ परमानेंट कॉर्टेक्स। अब होता क्या है कि इस प्राइमोर्डियम ऑफ परमानेंट कॉर्टेक्स एंड फीटल कॉर्टेक्स के दरमियान एक जोन बनता है जिसका नाम होता है ट्रांजिशनल जोन। वो जो ट्रांजिशनल जोन होते हैं ना वो बेसिकली किसको डिराइव करते हैं वो किसको राइज देते हैं वो राइज देते हैं जोना फेसिकुलाटा को। तो ये बस एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी थी कि परमानेंट कॉर्टेक्स एंड फीटल कॉर्टेक्स के दरमियान एक जो ट्रांजिशनल जोन होगा वो बनाएगा जोना फेसिकुलाटा। अब यहां पर उन्होंने आगे उसकी डेवलपमेंट दिखाई हुई। बस इसमें एक चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट बतानी थी यहाँ पे एक थोड़ी सी उन्होंने मिस्टेक दिखाई हुई कलर कोडिंग में। वो मिस्टेक ये है कि इन्होंने दिखाया हुआ है कि वीनो जो कॉर्टेक्स की लेयर होती है इट इज निमोनिक इज GFR ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर फेसिकुलेटा मिडिल रेटिकुलरिस इंटीरियर। इन्होंने यहाँ पे जो रेटिकुलरिस है जो कि आई होप सही से शो हो रहा वीडियो में रेटिकुलरिस को बेसिकली इन्होंने ये मिडिल लेयर दिखाया हुआ है वेयर एज फेसिकुलाटा को सबसे इनर लेयर दिखाया हुआ है। तो ये रॉन्ग है इस तरह नहीं होता इस चीज को याद रखना है। जो फेसिकुलाटा है वो मिडिल लेयर होती है वेयर एज जो रेटिकुलरिस है वो इनर लेयर होती है। रेटिकुलरिस वी नॉट गिव्स राइज टू एंड्रोजेंस वेयर एज फेसिकुलाटा गिव्स राइज टू योर कॉर्टिसोल एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये इन्होंने फिर आगे डेवलपमेंट दिखाई हुई जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो फर्दर आ रहे हैं वो कॉर्टेक्स बना रहे हैं और ड्यूरिंग बर्थ होता है कि ये जो एफ इन्होंने फिगर दिखाई हुई ये एफ बेसिकली उस नियोनेट की दिखाई जो अभी बॉन्ड हुआ है एंड जब जो नियोनेट है जैसे वो बॉन्ड होता है तो जो उसके कॉर्टेक्स होते हैं वहां पे सिर्फ हमें दो जोन्स नजर आते हैं। ये खास बात याद रखनी है कि जैसी जब जो बच्चे जैसी पैदा होते हैं तो उसके सिर्फ दो जोन्स होते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना फेसिकुलेटा जो कि उन्होंने यहाँ पे गलत दिखाया हुआ है रेटिकुलरिस नहीं ये दिस इज जोना फेसिकुलेटा जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना फेसिकुलेटा ही ड्यूरिंग बर्थ प्रेजेंट होते हैं। एंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज दिखानी थी वो ये थी कि ड्यूरिंग बर्थ जो एड्रीनल ग्लैंड का साइज होता है जो मैंने पहले भी बताई वो सबसे लार्जेस्ट होता है क्योंकि वो कंपेयर टू एडल्ट 15 to 20 टाइम्स बड़ा होता है। और क्यों बड़ा होता है क्योंकि जो फीटल कॉर्टेक्स होता है जो अभी तक से प्रेजेंट है फीटल कॉर्टेक्स बेसिकली स्टेरॉइड प्रिकर्सर्स दे रहा होता है जो कि प्लेसेंटा यूज करता है एस्ट्रोजेंस के लिए। लेकिन जैसे ही हम आगे देखेंगे जैसी जो बच्चा है जैसी वो फर्दर जो कहते हैं उसकी
ग्रोथ होगी, जिस तरह वो बड़ा होता रहेगा, जब जिस तरह जो उन्होंने जी है जीन उन्होंने दिखाई हुई फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, तो जैसे ही ये फर्दर अपनी डेवलपमेंट होती रहेगी बच्चे की, जिस तरह ग्रो करता जाएगा ड्यूरिंग फॉलोइंग ईयर्स, उससे होगा क्या कि जो फीटल कॉर्टेक्स है ये हम देख सकते हैं जो थिनिंग सी लाइन बन गई, ये फीटल कॉर्टेक्स ही बन गई, फीटल कॉर्टेक्स अब रिग्रेस करता जाएगा। जैसे ही फीटल कॉर्टेक्स रिग्रेस करता जाएगा, ये जो यहाँ पे बन रही है लाइनिंग, ये जोनल रेटिकुलरिस की आ रही है, एंड जो उन्होंने लास्ट में दिखाई हुई एच वाली फिगर, ये एच वाली फिगर बेसिकली एक 4 ईयर ओल्ड बच्चे की दिखाई हुई, और इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ही बच्चा 4 ईयर ओल्ड का हो गया तो उसका जो एड्रिनल ग्लैंड्स का साइज है वो भी काफी छोटा हो गया, उनका वेट भी काफी छोटा हो गया, एंड उसके अंदर तीनों जो लेयर्स हैं वो डिस्टिंक्टली नजर आ रही हैं। सो दैट वाज योर डेवलपमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। में बस ये याद रखने के जो कॉर्टेक्स है वो डिराइव होते हैं मेसेनकाइमल टिश्यूज ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ यूरोजेनाइटल रिड से, वेरस जो मेडुला है वो डिराइव होते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से, एंड जो परमानेंट कॉर्टेक्स का प्राइमोर्डियम एंड फीटल कॉर्टेक्स के दरमियान जो ट्रांजिशनल जोन होता है वो गिव राइज करता है, वो किसको राइज कराता है, वो देता है जोना, उससे डिराइव होता है जोन, उससे डिराइव होता है जोना फेसिकुलेटा, एंड ये फिर उन्होंने फर्दर इसकी डेवलपमेंट दिखाई हुई। बस ये कलर कोडिंग इसमें थोड़ी इन्होंने वजह दिखाई हुई थी, तो आई थॉट ये मैं बता दूं कि ये जो इनर की इन्होंने, आप लोग की बुक्स में भी ऐसा होगा कि इन्होंने जो आउटर इधर जो ब्राउन ब्राउन दिखाया हुआ है, दिस इज नॉट जोना रेटिकुलरिस, दिस शुड हैव बीन जोना फेसिकुलेटा, देन ये आगे जोना ग्लोमेरुलोसा है, एंड देन ये आगे जाके यहाँ पे फीटल कॉर्टेक्स हम देख सकते हैं बिल्कुल रिग्रेस कर चुका है, खत्म हो चुका है, ये 4 ईयर ओल्ड एक बच्चे का एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पे रिग्रेस कर रहा है, ये नियोनेट का है, इसलिए यहाँ पे भी फीटल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। यहाँ पे जो अंदर को पर्पल पर्पलिश दिखाई गई जो कि सूलन ब्राउन दिखानी चाहिए थी, ये है जोना रेटिकुलरिस, देन मिडिल में होगी जोना फेसिकुलेटा, एंड देन आउटर लेयर इज जोना ग्लोमेरुलोसा। सो दैट वाज इट, आई होप ये समझ में आ गया, एंड थैंक यू।